आप देख रहे हैं स्टडी जीके एजुकेशन। इस चैनल पे गवर्नमेंट जॉब की पल पल की नोटिफिकेशन मिलती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि पल पल की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि देखिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के लिए यहाँ पर वैकेंसी आ चुकी है और ये सारी वैकेंसी देखिए असिस्टेंट के होंगे, इंजीनियर के लिए होंगे, जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क के लिए होंगे, स्टेनोग्राफर के लिए होंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ पे पूरी यहाँ से जाके हम देखेंगे कि पूरा नोटिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। देखिए एआई की वैकेंसी है यहाँ पे, सिविल आईटी, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वैकेंसी है। और बता दें यहाँ पे कि मैनेजर के लिए पोस्ट है, असिस्टेंट के लिए पोस्ट है, यहाँ पे स्टेनोग्राफर के लिए पोस्ट है। पूरी वैकेंसी के लिए हम विस्तार से देखेंगे नोटिफिकेशन में कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्वालिफिकेशन रहेगा और इसमें कितना आपको पेमेंट देना है या कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, कब एग्ज़ाम होगा, पूरी जानकारी देखेंगे दोस्तों। और सिलेबस भी देखेंगे इसमें क्या है सिलेबस। तो चलिए देख लेते हैं नोटिफिकेशन। देखिए दोस्तों नोटिफिकेशन देख लेते हैं यहाँ से पूरी। देखिए यहाँ पे पोस्ट के बारे में दिया हुआ है, आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपका रहेगा, असिस्टेंट आपके यहाँ पर रहेंगे सिविल के लिए, यहाँ पर आईटी मैनेजर के लिए पोस्ट है, यहाँ पे देख लीजिए आपके जूनियर क्लर्क के लिए है, यहाँ पे स्टेनोग्राफर के लिए है। तो पूरे के बारे में नीचे चलिए देख लेते हैं और सारे पोस्ट। देखिए यहाँ पे वैकेंसी जो है आपकी यहाँ पे दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी जो है असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए है, यहाँ 15 वैकेंसी है टोटल। यहाँ सिविल के लिए 2 दिया हुआ है, आईटी मैनेजर के लिए 3 दिया हुआ है, यहाँ असिस्टेंट आईटी मैनेजर के लिए 23 है, असिस्टेंट प्रोफेशनल ऑफिसर के लिए पर्सनल ऑफिसर के लिए देखिए 13 दिया हुआ है, असिस्टेंट के लिए यहाँ 13 दे, जूनियर क्लर्क के लिए दे, यहाँ अकाउंटेंट के लिए 96 दिया हुआ है, स्टेनोग्राफर के लिए 13 दिया हुआ है। इसके बारे में चलिए देख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए मैं बता दूँ आपको कि जो पीएच कैटेगरी के हैं, दिव्यांग हैं, उनके लिए यहाँ वैकेंसी निकाली। ये देखिए इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें ऐसे ही आप देख लीजिए दिव्यांग के लिए वैकेंसी इतनी निकाली गई है। तो चलिए पूरी जानकारी देख लेते हैं आप क्वालिफिकेशन क्या होगा सभी के लिए। देखिए यहाँ पे आपको दिखा दें कि यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो असिस्टेंट के लिए है, देखिए यहाँ पे दिया है 4 साल का आपको पास बीटेक डिग्री होनी चाहिए या अगर बीएस इंजीनियरिंग आपकी है तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर दिया हुआ है जनरल के लिए आपको यहाँ पर 60% मार्क्स अगर आपका है, फर्स्ट डिवीज़न है, तभी आप भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एससी एसटी के लिए 50% मार्क्स तब अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। यहाँ बीसी और ईबीसी के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे आपका 55% मार्क्स है तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सिविल के लिए देख लीजिए, यहाँ पे सेम है प्रोसेस सभी के लिए। और चलिए आगे देख लेते हैं आईटी मैनेजर के लिए। यहाँ पर देख लीजिए आईटी मैनेजर के लिए आपके पास होना चाहिए, अप्लाई कर सकते हैं। देखिए बीटेक किए हैं तो अप्लाई आप कर सकते हैं, बीटेक होना चाहिए आपका कंप्यूटर साइंस में या आईटी इंजीनियरिंग में आपने बीटेक किया है तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं और देखिए यहाँ पे आईटी मैनेजर, असिस्टेंट आईटी मैनेजर के लिए भी आपके यहाँ पे प्रोसेस दिया गया। यहाँ पे एमसीए किए हुए हैं तो आप भर सकते हैं और बीटेक किए हुए तो भर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस और आईटी से किए हुए तो भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दिया हुआ असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर के लिए यहाँ पर देखिए एमबीए मांग रहा है, एमबीए आप किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट। यहाँ पर दिया हुआ है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से आपने किया है तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए असिस्टेंट के लिए आप देख लीजिए, यहाँ पे असिस्टेंट के लिए आप देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है ग्रेजुएट विथ किसी भी डिसिप्लिन से आप ग्रेजुएट हैं तो इसको भर सकते हैं असिस्टेंट के लिए। जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क के लिए आप ग्रेजुएट हैं तो भर सकते हैं। स्टेनोग्राफर के लिए देख लीजिए, यहाँ पर स्टेनोग्राफर के लिए आपको देखिए ग्रेजुएट होना चाहिए, उसके साथ आपको टाइपिंग आना चाहिए इंग्लिश में और हिंदी दोनों में आपको टाइपिंग आना चाहिए। यहाँ पर दिया हुआ है 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको टाइपिंग आना चाहिए। तो ये पोस्ट के बारे में पूरी जानकारी है दोस्तों। यहाँ पे और आगे देख लेते हैं सिलेबस क्या रहेगा। देखिए यहाँ पे जो ये वैकेंसी आपकी है ये आपके देखिए यहाँ दिए प्रोविजन पीरियड के लिए दिया है, ये आपकी देखिए यहाँ पर 3 साल 2-2 साल की ये प्रोविजन पे इसमें आपको रखा जाएगा। अगर आपके काम अच्छे हैं तो आगे इसको बढ़ाया जाएगा। तो चलिए आप देख लेते हैं और सभी के लिए देखिए यहाँ पे ग्रेड जो मिलेगा आपको लेवल 8 से
पे ग्रेड यानी कि 7 से मिलेगा, लेवल 8 इसमें दिया हुआ, 11, 7, 5, 4 के हिसाब से इसमें आपको पे ग्रेड दिया जाएगा। और देखिए एज की बात मैं कर दूं, यहाँ पे एज मिनिमम आपका 21 वर्ष रखा गया है, एज 21 वर्ष रखा गया है और मैक्सिमम यहाँ पे 50 साल रखा गया है एज। और देखिए आप यहाँ पे देखिए फीस के हिसाब से आप फीस देख लीजिए, जनरल और ईबीसी और बीसी के लिए यहाँ पे 1000 रुपया पे करना है, एसटी एससी के लिए यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 250 रुपया आपको पे करना है। फी ऑनलाइन मोड में पे होगा। और यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, एक एग्ज़ाम के थ्रू आपका सिलेक्शन इसमें लिया जाएगा। और देखिए इम्पोर्टेंट डेट यहाँ दिया हुआ है, यानी कि 16 अक्टूबर 2018 से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कहाँ से फॉर्म भरा जाएगा, पूरी प्रक्रिया आप देखते रहे मेरे साथ। और देखिए आपको 31 अक्टूबर तक आपको इसमें आपको पेमेंट भी कर देना है, नेट बैंकिंग जो भी आपके पास है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, तो आप पेमेंट कर सकते हैं। एग्ज़ाम का मैं बता दूँ कि यहाँ दिया हुआ है कि सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर 2018 से आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। एग्ज़ाम जो होगा आपका ये ऑफलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा, इसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम के प्रावधान नहीं है। तो ये पूरी जानकारी है दोस्तों, और देखिए दिखा देते हैं आपको कि कहाँ से आपको फॉर्म भरना है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपको कैसे फॉर्म भरना है। देखिए आपको वेबसाइट पर जाना है, वेबसाइट पर जाएंगे आप, वेबसाइट पर जाने के बाद आपको देखिए यहाँ पर पूरा प्रोसेस का यहाँ पे क्लिक आपको करना है। जैसे देखिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखिए एक ये पेज खुल जाएगा आपका। पेज खुला जाए खुलने के बाद यहाँ पूरा डिस्क्रिप्शन देखिए ये दिया हुआ है, आपको ये पढ़ लेना है पूरा। ये पढ़ने के बाद ये पढ़ लेंगे आप, ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद आपको पूरा पता चल जाएगा कैसे कैसे फ़ोटो और आपको ये सब साइन ऑन अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए दिया हुआ कि कब से कब तक आपका फॉर्म भराएगा, क्लोजिंग डेट क्या है, ये सब दी हुई है। और देखिए यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ से होगा, और न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद आपका लॉगिन यहाँ से किया जाएगा। तो चलिए न्यू रजिस्ट्रेशन में जाके दिखा देते हैं आपको। देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाना है, फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है, आप भी अभी से फॉर्म अपना अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसमें आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। देखिए सेलेक्ट आपको जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट को आपको सेलेक्ट करना है। आपको सेलेक्ट करने के बाद अपना क्वालिफिकेशन इसमें सेलेक्ट करना है, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है सभी के लिए यहाँ पे एक ही सेलेक्ट करना है इसमें। इसके बाद देखिए यहाँ पे सेलेक्ट यस या नो आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद देखिए पूरा इसमें प्रोसेस दिया हुआ है, आप यहाँ से इस फॉर्म को रजिस्ट्रेशन के तौर पर है, ये केवल आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और यहाँ से रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ से आपको सबमिट करना है, सबमिट करेंगे तो आपको आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर और एक आपको पासवर्ड आपको जनरेट हो जाएगा, यानी कि आपके मोबाइल पे या ईमेल पे मैसेज आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसके बाद आपको देखिए क्या करना है। जैसे ही आपको आपका मिल जाएगा ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, तो आप यहाँ से लॉगिन करेंगे, यहाँ से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको पूरा डिटेल उसमें भरना है, फ़ोटो आईडी आपको साइन ये सब अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ से जा क्लिक करेंगे, देखिए दिखा देते हैं आपको। देखिए यहाँ पे जाएंगे अपना, यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे कैप्चा डाला जाता है, इसके बाद यहाँ से लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद आपको अंदर में जाएंगे तो आपको आएगा कि आप यहाँ से अपना फ़ोटो डालिए, फ़ोटो डालने के बाद अपना सिग्नेचर डालिए, साइन डालने के बाद पेमेंट करिए, पूरा अपलोड कर दीजिए। तो ये दोस्तों प्रोसेस है। चलिए कुछ सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस क्या रहेगा आपके। देखिए दोस्तों यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, तो आपको सिलेबस दिखा देते हैं। देखिए असिस्टेंट इंजीनियर के लिए यहाँ पे सभी के लिए अलग अलग सिलेबस इसमें दी हुई है। तो देखिए असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर सिलेबस देख सकते हैं आप। यहाँ देख लीजिए आपका हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर्स भी रहेगा, यहाँ पर लॉजिक रीजनिंग रहेगा, रीजनिंग से क्वेश्चन आएगा, उसके बाद कंप्रिहेंसिव इंग्लिश से भी कुछ क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे देख लीजिए टेक्निकल से भी आपके क्वेश्चन, जो टेक्निकल आपका सब्जेक्ट है उससे क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे। तो पूरा सिलेबस इसमें दिया हुआ है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से आप ये पूरा डाउनलोड करके वहाँ से देख सकते हैं। देखिए कुछ हिंदी के भी क्वेश्चन आएंगे इसमें, इसके बाद कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे, तो आप यहाँ से देख लीजिए। देखिए असिस्टेंट सिविल के लिए दिया हुआ है यहाँ से सिलेबस, इसके बाद यहाँ पर देखिए दिया हुआ है सिलेबस आपके आईटी मैनेजर के लिए।
इसके बाद यहाँ पे असिस्टेंट आईटी मैनेजर दिया हुआ है, इसके लिए सिलेबस है यहाँ पे। और यहाँ पे असिस्टेंट पर्सनल आपको ऑफिसर के लिए यहाँ पे दिया हुआ है सिलेबस, सभी के लिए यहाँ पे सिलेबस की व्यवस्था है। आप यहाँ से डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या वेबसाइट से भी जाके नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की वीडियो जब भी बनाऊं तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।